Dear parents and lovely students, welcome to the online classes of Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 3rd, subject Hindi, chapter 6 and lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे अपनी रफ नोटबुक में मेंशन कर लें. जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6 एंड लेक्चर नंबर 2. यस, सो वी हैव टू रीड फ्रॉम स्टार्टिंग. So first of all, I am reading this para. You have to read along with me. Okay? Yeah. कोयल ने समझाया उसको पर वह समझ न पाया. कुकू से उसको अपना काव काव ही भाया. सहपाठी की जिद से हारी कोयल छिप कर गाती. अपनी मीठी तान सुनाकर सबका मन हर्षाती. उसकी तारीफें सुन सुनकर कौआ जल बुन जाता. घर घर जाकर शोर मचाता कान सभी के खाता. है ना? अब देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस प्रकार तोता एक शिक्षक की भूमिका निभाता है और वह सभी पक्षियों को गाना यानी मधुर गाना सिखाता है. सभी सच्चे मन से उस चीज़ को या शिक्षा को ग्रहण करते हैं, बट उसमें कौवा होता है. कौवा वह नोटी होता है, वह एक भी नहीं सुनता, जरा सा भी ध्यान नहीं लगाता और वह अपना काम अर्थात कुट कुट करके निमोरी खाता रहता है. है ना? वो भी पेड़ों में छिपकर. अब आगे क्या है देखिए, हम समझते हैं कि कोयल ने समझाया उसको पर वह समझ न पाया. तो इस बात को कोयल ने, है ना, उस कौवे को बहुत समझाया कि तुम क्लास में या कक्षा में या जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, है ना, तोता जी पढ़ा रहे हैं, उसको ध्यान से सुने और समझें. बट वह नहीं माना, वह जरा भी समझ नहीं पाया. फिर आगे देखो, कुकू से उसको अपना काव काव ही भाया. कुकू ये कोयल की बोली है ना. कोयल देखना बारिश के सीज़न में या किसी भी सीजन में बोलती कू कू करके बोलती है ना, तो ये उसकी बोली है ना. कोयल की बोली को हम कहते हैं कुकू. तो यानी वो कोयल की जो बोली थी उससे अच्छा तो उसको अपनी बोली ही लगी. और कौवे की बोली कैसी होती? कर्कश होती, थोड़ी अच्छी नहीं लगती कानों को. लेकिन कोयल की बोली हमें थोड़ी और अच्छी लगती है ना. कंपेरिजन अगर दोनों का कंपेरिजन किया जाए तो हमें कोयल की जो बोली है वो प्यारी लगती है बनिस्पत कौवे की. है ना? तो कौवा जो काम काम करता है उसको क्या हुआ, अपनी बोली ही अच्छी लगी बनिस्पत कोयल से. ओके, यानी उसने एक न मानी या एक भी नहीं सुनी. किसकी नहीं सुनी? कोयल की. ओके, नेक्स्ट देखिए, सहपाठी की जिद से हारी कोयल छिप कर गाती. असहपाठी, सहपाठी का मतलब साथ साथ पढ़ने वाला. जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं ना बेटा, पढ़ते हैं तो आपके साथ जो भी पढ़ रहे हैं वो सब सहपाठी है ना, जिसको हम क्लासमेट कहते हैं. क्लियर? क्लास फेलो, क्लासमेट. ठीक है, सहपाठी यानी सहपाठी की जिद से हारी कोयल छिप कर गाती. यानी यहाँ बताया कवि ने कि वह अपने सहपाठी यानी उस कोयल कौवा उसका सहपाठी था ना, साथ पढ़ने वाला, तो उसको वो समझा कर जिद से उसकी हट से हार चुकी थी. यानी बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी. तो क्या कहा है, सहपाठी की जिद से हारी, यानी वो उसकी जिद थी, उसका हट था और कि नहीं सुनेगा वो, है ना. वो एक भी बात नहीं सुन रहा था, वह कुछ सीख नहीं रहा था, वह अभ्यास नहीं कर रहा था, तो उसकी जिद से वह हार चुकी थी. इसलिए कोयल छिपकर गाती. तो कोयल थी, वह छिपकर अपना अभ्यास जारी रखती थी, अपना अभ्यास करती रहती थी, है ना. उसने तो बहुत समझाया कौवे को लेकिन वह एक नहीं सुनी उसने. इसलिए अब वह कोयल अपना अभ्यास ही छिपकर गाती रहती थी, छिपकर अभ्यास करती रहती थी. ओके, अपनी मीठी तान सुनाकर सबका मन हर्षाती. क्या कहें कि अपनी मीठी तान सुनाकर सबका, यानी वो जब अभ्यास कर चुकी थी तो उसकी तान, उसकी मधुर आवाज़, है ना, सूर तान होती ना, तो उसको सबको सुनाकर वो अपने आप में बहुत खुश होती थी. हर्षाती का मतलब होता है खुश होना,
प्रसन्न होना है ना, सबको अपनी मीठी मीठी मधुर वाणी मधुर तान सुनाकर क्या होती थी, वह खुद बहुत सबका मन हर्षाती थी, खुद भी खुश होती थी और सबका मन भी खुश करती थी, सबको प्रसन्न करती थी, है ना। क्योंकि कोयल की जो वाणी होती है, वो बोली होती है, वो कैसी होती है, बहुत मीठी, कान को बहुत अच्छी लगती है अपन, है ना। तो वो सबको सुनाकर उसकी मीठी मधुर वाणी मधुर तान सुनाकर सबको क्या करती थी, खुश रखती थी, ओके, खुश करती थी। उसकी तारीफें सुन सुनकर कौवा जल बुन जाता। अब क्या था कि कौवा एक तो अभ्यास नहीं कर रहा था, उसकी कहना नहीं मान रहा था, अब सारे लोग या सारे जो भी बर्ड्स थे, सारे जो चिड़ियाएँ थी, वो सब इसकी क्या करते थे, मधुर आवाज़ से इसकी तारीफ़ करते। तारीफ़ का मतलब होता है बेटा प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना, है ना। तो सारे प्रशंसा करने लगे थे क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, बहुत अभ्यास कर रही थी वो, है ना, मधुर गाने का, तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। तो क्या कर रहे थे सारे बर्ड्स, सारे पक्षी, है ना, कोयल चिड़िया जो भी थी, वो सारे इसकी क्या करते थे, तारीफ़ें करते थे, यानी प्रशंसा करते। तो ऐसी प्रशंसाएँ सुनकर, ऐसी तारीफ़ें सुनकर कौवा क्या हो जाता था, जल बुन जाता था। जल बुन जाना एक मुहावरा बेटा, इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना, किसी से जलन होती है ना, उसको कहते हैं जल बुन जाना, ईर्ष्या होना। किसी की अच्छाई देखकर, किसी की प्रगति देखकर, किसी की प्रोग्रेस देखकर कोई जलता है ना, तो वो होता है जल बुन जाना, यानी ईर्ष्या होना किसी से, क्लियर। तो उसकी तारीफ़ें होती थी कोयल की, तो जिससे कौवा जल बुन जाता था, कौवा को ईर्ष्या होती थी, इसकी तारीफ़ें क्यों हो रही है, है ना, क्योंकि वो अभ्यास कर रही थी, मेहनत कर रही थी, मधुर गाने का प्रैक्टिस कर रही थी, तो उसकी आवाज़ भी मधुर थी, क्लियर। अब आगे थी, घर घर जाकर शोर मचाता, कान सभी के खाता। आपको पता है बेटा, कौवा जब बोलता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लगता है क्या, ज़्यादा देर बोलेगा तो कानों को अच्छा नहीं लगता, है ना, हम उसको उड़ाने के प्रयास करते हैं। तो वो क्या, घर घर जाकर सबके घर जाता और ज़ोर से काँव 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 चिल्लाता रहता था, तो सबके कान खाता था, मतलब सबको कानों में, मतलब बहुत कर्कश आवाज़ करता जिससे कानों को सबको अच्छा नहीं लगता था, है ना, सभी के कान खाता रहता था इस तरह से, क्लियर। कान खाने का मतलब सबको मधुर, मतलब उसकी जो कर्कश आवाज़ थी, कड़वाहट आवाज़ थी, वो कानों को अच्छी नहीं लगती थी सभी को, है ना, इसलिए वो जहाँ भी जाता वो आवाज़ करता रहता था, सबको मतलब बुरा लगता था इस तरह से, क्लियर। इस तरह से ये हमारा चैप्टर क्लियर हुआ, क्लियर। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, पूरा पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से एंड तक, और अच्छे से रीड करके इसको समझना है। यदि समझ में नहीं आता है तो इसको स्टार्टिंग से वापस आपको इस वीडियो को 2 या 3 times अच्छे से वॉच करना है, ताकि आपको समझ सकें, है ना। आप देखो, अब यहाँ इस पिक्चर्स में देखो, ये कौवा काँव काँव कर रहा है ना किसी छत पे बैठकर, और वो कोयल और ये चिड़ियाँ वगैरह प्रैक्टिस कर रही है, अभ्यास कर रही है ना, इस तरीके से, ठीक है, ओके। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क, यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैंशन सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 6 एंड लेक्चर नंबर 2, ओके। शब्द पिटारा, यानी उसमें से कुछ हार्ड वर्ड्स आए हैं जिनका मीनिंग दे रखा है, सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न, देन यू हैव टू राइट, ओके। कुहू मैंने बताया था, कोयल की जो बोली होती है उसको कुहू कहते हैं, है ना। फिर है काँव काँव, ये किसकी बोली है, कौवे की बोली, किसकी बोली बेटा, कौवे की। सहपाठी, कक्षा में साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जिसको क्लासमेट कहते हैं, ओके। नेक्स्ट, हर्षाती मीन्स खुश करती, और जल बुन जाना, ईर्ष्या होना, किसी से जलन होना, ईर्ष्या होना, ओके। तो आपको इन हार्ड वर्ड्स को अच्छे से लर्न करना है, और गुड हैंडराइटिंग में लिखकर अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, ओके बेटा, थैंक यू।